प्रिय छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 9F का, प्रश्नावली 9F क्लास 12 का मैथ है। अगर आप पीछे का अध्याय, पीछे का लेसन नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर पीछे का अध्याय, पीछे का लेसन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। और ये क्या है दोस्तों, हम लोग का प्रश्नावली 9F जो क्लास 12 का मैथ है, ये दोस्तों हम लोग का एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से आप 5 नंबर लेकर ही जाएंगे, कन्फर्म है हम लोगों का। तो 5 नंबर कैसे आप लेंगे, जब आप 10 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कैसे सवाल लगते हैं इस प्रश्नावली का। उसके बाद से आपका 5 नंबर या 6 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिक्स हो जाएगा। हर बार पूछता है, हर सेट में पूछता है, सातों सेट में हम लोग का। तो ये प्रश्नावली आप लोग एकदम कन्फर्म है कि दोहरा लीजिएगा बढ़िया तरीके से, इस चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से दोहरा लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर देना है दोस्तों, हमको नहीं देना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, चाहे इस चैनल से जुड़ गए चाहे किसी भी चैनल से जुड़ गए, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें लगाने का तरीका क्या होता है हम लोग का, तो लगाने का तरीका होता है पहला कि हम लोग इससे तुलना करते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों से क्या करते हैं तुलना, आई एफ का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद से व्यापक हल हम लोग का क्या होता है दोस्तों कि निकल जाता है। व्यापक हल हम लोग इस फार्मूले से क्या करेंगे कि वाई इंटू आई एफ इक्वल टू की इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, हम लोग का ये व्यापक हल का ये समीकरण हम लोग का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग का, तो पहला क्वेश्चन है यक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है दोस्तों, यक्स स्क्वायर। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, और क्या करना है दोस्तों इसका कि व्यापक हल हम लोग को निकालना है। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, कैसे व्यापक हल निकलेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग का डी बाई डी एक्स के आगे कुछ रहना नहीं चाहिए, यानी यहाँ यक्स है तो यक्स से क्या कर देंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। यक्स से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए यक्स डी वाई बटे में डी एक्स, यक्स से इधर भाग देंगे तो बटा में यक्स लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बटे में यक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर बटे में यक्स। यक्स से दोनों पक्षों में क्या कर दिए हैं कि डिवाइड कर दिए हैं। अब देखिए यक्स एक्स कट जाएगा, डी वाई बटे में कितना आ गया दोस्तों हम लोग का डी एक्स, यहाँ पर बोलिए एक बटा में एक्स आगे लिख दीजिए और वाई को पीछे कर दीजिए, एक से एक्स कट जाएगा हम लोग का, एक से एक एक्स बचेगा आगे, ये क्यों किए हैं अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ वाई हम लोगों का पीछे होता है इसलिए आगे किए हैं। अब देखिए इसे तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, डी वाई डी एक्स बोलिए प्लस पी वाई बराबर क्यों से क्या कर देंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, तुलना कर देंगे। देखिए तुलना करेंगे तो बोलिए क्या मिल रहा है हम लोग का, पी का वैल्यू मिल रहा है प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग का, तो 1/x मिल रहा है, -1/x मिल रहा है। क्यों का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग का, तो क्यों का वैल्यू मिल रहा है यक्स। आई एफ निकाल लेंगे दोस्तों, आई एफ कैसे निकालते हैं, तो उसका ये फार्मूला होता है आई एफ निकालने का, ई टू दी पावर क्या होता है पी डी एक्स, पी का वैल्यू कितना है दोस्तों हम लोग का, तो पी का वैल्यू है -1/x और ये डी एक्स, पी का वैल्यू है -1/x, माइनस आगे आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, और क्या हो जाएगा हम लोग का 1/x और ये कितना हम लोग का डी एक्स। 1/x का समाकलन क्या होता है दोस्तों हम लोग का, तो लाग एक्स होता है, यानी ई टू दी पावर कितना हो जाएगा -lagx हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हम लोग का कि ये बट्टा में हो जाएगा, कैसे बट्टा में होगा, मान लीजिए हम लोग का यक्स इनवर्स है, इसको नीचे ले आते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों हम लोग का कि 1/x हो जाता है। इसी तरह ई टू दी पावर माइनस इसे यक्स मानेंगे दोस्तों, अगर इसे नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा हम लोग का, तो ये प्लस में हो जाएगा ई टू दी पावर कितना हम लोग का लाग यक्स, ई टू दी पावर लाग एक्स का मान हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका वैल्यू हमेशा हम लोग का ई से लाग कट जाता है, यानी एक्स हम लोग केवल बचेगा 1/x बच जाएगा, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बताया था, ये कैंसिल कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आई एफ का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि व्यापक हल में, व्यापक हल वाले समीकरण में क्या करेंगे, मान रख कर हल कर देंगे। देखिए आई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ होता है दोस्तों वाई इंटू
आई एफ का वैल्यू क्या निकला हम लोग का, तो 1/x निकला है। यहाँ पर लिख दीजिए 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। इंटीग्रेशन q का मान कितना है दोस्तों, x है। q का वैल्यू देखिए कितना हम लोग का है, तो x है। आई एफ का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, तो 1/x निकला है। यहाँ पर रख दीजिए 1/x और ये dx और प्लस ये c। x से x कट जाएगा दोस्तों हम लोग का, y अपन कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1 का समाकलन क्या होता है हम लोग का, तो 1 का समाकलन x होता है। तो y अपन x इक्वल टू x प्लस कितना दोस्तों c, x से त्रिया गुणा करा देंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसे कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग का dy/dx के आगे दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, तो x से क्या कर देंगे हम लोग दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, x से x में भाग देंगे दोस्तों, हम लोग का कुछ भी नहीं बचेगा, यानी dy/dx बचेगा। यहाँ पर y में x से भाग देंगे दोस्तों, वाई बटा में x हो जाएगा, एक्स क्यूब में x से भाग देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, dy/dx 1/x को आगे लिख देंगे, नहीं तो वैसे ही हम लोग कंपेयर कर सकते थे, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। यहाँ से कंपेयर कर दीजिए dy/dx कितना हम लोग का, py बराबर q से तुलना, यहाँ से तुलना कर देंगे चाहे इंग्लिश में लिख देंगे कंपेयर हम लोग। देखिए p बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, तो p बराबर प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस ही होगा, 1/x मिलेगा, और q बराबर क्या मिलेगा दोस्तों हम लोग का, तो x स्क्वायर मिलेगा। आई एफ का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, आई एफ का वैल्यू क्या होता है दोस्तों हम लोग का ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। देखिए ई टू दी पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का वैल्यू हम लोग का 1/x है और डी एक्स, 1/x का समाकलन क्या होता है दोस्तों log x होता है, log x, और ई टू दी पावर log x का मान कितना होता है हम लोग का, तो ई से log कट जाता है, केवल कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का x हो जाएगा। आई एफ का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, तो x निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि व्यापक हल वाले समीकरण में क्या करेंगे कि सबका वैल्यू रखेंगे, y इंटू क्या होता है दोस्तों आई एफ होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू क्या होता है दोस्तों आई एफ होता है dx, और प्लस क्या होता है दोस्तों हम लोग का c। यहाँ से बोलिए y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना निकला है दोस्तों, x निकला है, इक्वल टू q का वैल्यू कितना है दोस्तों, x स्क्वायर इंटू आई एफ का वैल्यू क्या निकला है दोस्तों, x प्लस कित डी एक्स दोस्तों हम लोग का, और प्लस सी। यहाँ से बोलिए वाई इंटू एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो एक्स क्यूब हो जाएगा गुणा कराने पर, और ये प्लस सी। एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है दोस्तों हम लोग का, तो एक्स क्यूब का समाकलन उसमें एक जुड़ता है और उतना ही से भाग हो जाता है। देखिए प्लस कितना दोस्तों हम लोग का सी, एक्स गुणा में है दोस्तों, यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का भाग हो जाएगा, यानी एक्स पावर 4 अपान 4x हो जाएगा, और यहाँ भी बाटा में हो जाएगा दोस्तों c अपान x हो जाएगा, एक्स से एक्स हम लोग का कट जाएगा, एक्स पावर 3 अपन कितना आ जाएगा 4, और प्लस c अपान कितना हो जाएगा दोस्तों x। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लगाने में दोस्तों भले ही ज़्यादा समय लगा हो, लेकिन हम लोग का अब क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए हैं। मैक्सिमम 2 मिनट का हो सकता है या 2.5 मिनट का हो सकता है, उससे कम ही में हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, तो इतना है हम लोग के यहाँ पर x नहीं होता है दोस्तों, x क्या कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी dy/dx यहाँ बचेगा, x x में भाग देंगे कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/x और ये y, एक्स प्लस 1/ कितना दोस्तों हम लोग का x डिवाइड हम लोग कर दिए। अब कंपेयर कर देंगे दोस्तों dy/dx प्लस py बराबर क्यों से तुलना, कंपेयर कर देंगे या तुलना कर देंगे हम लोग का, वही बात हुआ। यहाँ से बोलिए p का मान क्या मिलेगा दोस्तों, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 5/ कितना मिलेगा x, y से y कैंसिल हो जाएगा, q बराबर क्या मिलेगा दोस्तों हम लोग का, तो x प्लस 1/ कितना हम लोग का x। आई एफ का वैल्यू निकाल देंगे, आई एफ का वैल्यू क्या निकलता है हम लोग का, ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। देखिए ई टू दी पावर पी का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, तो -5/ कितना एक्स डी एक्स, यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा हम लोग का -5 आगे आ जाएगा,
और कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/x dx, ये e टू दी पावर हम लोग का रहेगा। देखिए अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो e टू दी पावर -5 और 1/x का समाकलन क्या होता है दोस्तों हम लोग का, तो log x होता है, इतना हम लोग का होता है। अब देखिए हम लोग एक नियम पढ़े हैं कि लाग में जो आगे होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि उसे अपर में हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसे क्या करेंगे कि लाग यक्स पर पावर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, -5 हम लोग लिख सकते हैं। अब लाग से ई क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल, और क्या बचेगा हम लोग का, तो ई यक्स पर पावर क्या बचेगा हम लोग का, -5, ई से लाग कैंसिल हो जाएगा, यक्स पर पावर -5 हम लोग का बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों समीकरण क्या होता है हम लोग का, तो आई एफ वाई इंटू क्या होता है, आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है दोस्तों, आई एफ डी एक्स और प्लस क्या होता है हम लोग का सी, ये हम लोग का फार्मूला होता है व्यापक हल का। वाई इंटू आई एफ का वैल्यू क्या है दोस्तों हम लोग का, तो आई एफ का वैल्यू निकला है एक्स पर पावर -5 इक्वल टू क्यू का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, तो क्यू का मान है हम लोग का एक्स प्लस 1 अपान कितना है दोस्तों एक्स, और आई एफ का वैल्यू क्या निकला है एक्स पर पावर -5 और ये क्या है दोस्तों हम लोग का प्लस डी एक्स और प्लस ये सी। अब देखिए वाई अपान एक्स पर पावर -5 को नीचे ले आएंगे दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि एक्स प्लस 1 और उसको नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स पर पावर 5 होगा, एक्स पर पावर 5 का एक्स में गुणा कराएंगे तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और ये डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का सी। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा देखिए, तो लेट कर लीजिए नहीं तो डिवाइड कर दीजिए हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पर पावर कितना दोस्तों 5, एक्स से क्या होगा हम लोग का डिवाइड कर दीजिए, एक्स अपान कितना दोस्तों एक्स पर पावर 6 और 1/ कितना दोस्तों एक्स पर पावर 6 और ये कितना हम लोग का डी एक्स प्लस सी। यहाँ से बोल दीजिए वाई अपान एक्स पर पावर 5 इक्वल टू एक्स से एक्स कट जाएगा दोस्तों, कितना होगा हम लोग का, तो 1/x^5 होगा, उसे ऊपर ले जाएंगे तो -5 होगा दोस्तों, इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x^-6 हो जाएगा और ये कितना दोस्तों हम लोग का डी एक्स प्लस सी। एक ही बार दोनों का क्या कर देंगे दोस्तों, समाकलन कर देंगे, तो वाई अपन कितना हम लोग का x^5, समाकलन में क्या होता है कि एक जुड़ता है और उतना ही से भाग होता है, एक जुड़ेंगे तो दोस्तों -4 हो जाएगा और -4 से भाग, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि एक जुटेगा तो -5 हो जाएगा और -5 से भाग और प्लस सी। देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि 1/5 से हम लोग इधर गुणा करा देंगे, गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का वाई इक्वल टू 1/5 का 1/-4 में गुणा कराएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा हम लोग, केवल एक्स बचेगा और नीचे कितना हम लोग का 4, 1/5 का 1/5 में गुणा कराएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1 बचेगा, क्योंकि अगर इस तरह गुणा कराते हैं एक्स का एक्स में तो एक्स स्क्वायर होता है, अगर 1 का एक्स -1 में गुणा कराएंगे तो 1 में से 1 घटेगा दोस्तों 0, और किसी भी ए बी सी डी का कोई भी अक्षर उस पर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों हम लोग का 1, तो 1/-5 और सी में गुणा कराएंगे तो दोस्तों सी एक्स पर पावर कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। एक लाइन बस करना है दोस्तों हम लोग का कि ये जो माइनस वाला पार्ट है बस इसे इधर कर लीजिए, तो वाई ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस x/4 हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस में माइनस हो जाएगा और इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्लस 1/5 हो जाएगा इक्वल टू सी एक्स पर पावर कितना दोस्तों 5, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो उत्तर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो आप लोग का उत्तर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, तो इसे भी हम लोग का व्यापक हल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोग का, तो यक्स आगे यक्स है तो यक्स तो रहना नहीं चाहिए दोस्तों हम लोग का, यक्स से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर केवल हम लोग का डी वाई बटे में डी एक्स बचेगा, एक्स बाई एक्स करेंगे दोस्तों तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा हम लोग का 2/x इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स से भाग देंगे तो एक्स लाग कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग की कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर देंगे दोस्तों डी वाई डी एक्स, बोलिए पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना, तुलना कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलिए
तुलना कर देंगे तो पी बराबर मिलेगा दोस्तों हम लोग का 2/x मिलेगा, क्योंकि प्लस से प्लस कैंसिल, चाहे प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। क्यों का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स ला कितना हो जाएगा हम लोग का यक्स हो जाएगा। आई एफ का वैल्यू निकाल देंगे, आई एफ का वैल्यू क्या होता है दोस्तों हम लोग का e^PdX होता है, PdX। देखिए e^ कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का वैल्यू कितना है 2/x है, 2/x और ये dx, यहाँ से बोलिए 2 आगे आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, e^ कितना हो जाएगा हम लोग का तो 1/x dx। 1/x का समाकलन क्या होता है दोस्तों हम लोग का, तो 1/x का समाकलन होता है हम लोग का log x होता है समाकलन। 2 को आगे कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का e^log x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों x2, यानी आई एफ का वैल्यू कितना निकल गया x2। y इंटू क्या होता है दोस्तों हम लोग का, y इंटू क्या होता है हम लोग का आई एफ होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन, q इंटू क्या होता है दोस्तों आई एफ dx और प्लस ये क्या होता है हम लोग का c। व्यापक हल में, हल के समीकरण में क्या करेंगे हम लोग इसको पुट कर देंगे। देखिए y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या निकला है दोस्तों x2 इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों हम लोग का तो x लाग कितना हम लोग का तो x है, और आई एफ का वैल्यू क्या निकला है दोस्तों हम लोग का तो x2 निकला है, प्लस कितना दोस्तों हम लोग का c, यहाँ dx छोड़ दिए हैं, चलिए आगे लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वाई इंटू x2 यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा हम लोग का तो x2 का x में गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, x2 का x में गुणा करेंगे x^3 हो जाएगा, और log x इंटू कितना दोस्तों हम लोग का dx छोड़े थे यहाँ, और ये प्लस c। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि आगे हम लोग हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा आप लोगों को कि दिक्कत होगा थोड़ा सा, क्या दिक्कत होगा दोस्तों कि यहाँ से f(x) पर हल करना पड़ेगा। f(x) पर हल करने के लिए दोस्तों हम लोग इलेट करते हैं, अगर इलेट करेंगे तो हम लोग का पहला फंक्शन क्या होगा हम लोग का, इलेट करेंगे तो ई से आई से इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, एल से लोगरिथम, लोगरिथम हम लोग का मिल रहा है दोस्तों तो f(x) का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बस y(x)² लिख दीजिए, f(x) बाहर होता है दोस्तों, log x बाहर, g(x) का क्या होता है हम लोग का समाकलन, यहाँ से बोलिए माइनस क्या होता है हम लोग का d/dx f(x) का समाकलन, log x का क्या है दोस्तों हम लोग का अवकलन, समाकलन बोल दिया मैं, अवकलन होता है, और इंटीग्रेशन g(x) का समाकलन, फिर क्या है दोस्तों हम लोग का dx, और ये प्लस हम लोग का c। देखिए अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो ये पेन थोड़ा बुझा नहीं रहा है, कितना हो जाएगा हम लोग का तो log x x^3 का समाकलन क्या होगा दोस्तों x^4/4 हो जाएगा, माइनस log x का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों तो 1/x हो जाएगा, x^3 का समाकलन क्या होगा x^4/4 हो जाएगा, और ये dx प्लस कितना दोस्तों हम लोग का c, यहाँ से बोलिए log x इंटू x^4 कितना हम लोग का 4, माइनस x से x कट जाएगा दोस्तों, 1/4 बाहर ले लेंगे, कितना बचेगा हम लोग x^3 बचेगा, और dx प्लस c, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का log x x^4/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका समाकलन करेंगे तो x^4/4 हो जाएगा, और ये कितना हम लोग का प्लस c। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग की डिवाइड कर देंगे, यानी x2 से क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले x^4/4 कामन कर लीजिए, x^4/4 कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ log x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का तो 1/4 बचेगा, और ये क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर प्लस हम लोग का c बचेगा। देखिए अभी भी क्या करना है दोस्तों कि x2 यहाँ छोड़े हैं, यानी y(x)² यहाँ पर लिख दीजिए, x2 का भाग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी x2 का भाग करेंगे तो x2 से x^4 कट जाएगा, x^2 कितना होगा हम लोग का 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का तो 4 से गुणा करा दीजिए, 4 कितना हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा, और माइनस 1 और बटे में 4 होगा दोस्तों, इसके 4 के गुणा करा दीजिए चलिए, और यहाँ भी क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि x2 से भाग होगा, यानी c/ कितना हो जाएगा x2, और यहीं पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा कराएंगे तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा y = कितना हो जाएगा x^2/16, और ये 4 log x माइनस कितना हम लोग का 1,
और प्लस कितना दोस्तों, सी अपान एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो उत्तर हो जाएगा।